श्रीमती जया कश्यप सरपंच गमावाड़ा बाबू जी का जो अभी गोड़ी में जो कहना था कि हमारा जो पहाड़ है देवी देवता बसने का पहाड़ है हमारे पूर्वज जो यहीं से पूजा पाठ करते हुए यहाँ का देवी देवता को हम पूजते मानते आए हैं। हम जो संघर्ष का जो बीड़ा उठाया है अभी वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार का फैसला हमको नहीं दिखेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हमारा राशन पानी खत्म हो जाए, चाहे हमारा पानी खत्म हो जाए, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाले से नहीं है क्योंकि हमने ठान लिया है। तो वहाँ पे खुदाई नहीं करने देंगे आप, अपने वो नंदी पहाड़ को बचाना चाहेंगे? जी जी, अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक। धन्यवाद जी। आज तक जो आदिवासी लोग कहते आए कि इससे पहले भी बहुत रैली हो चुका है एनएमडीसी और सीएमडी, इस पर अमल नहीं किए, लेकिन इस पर जो आदिवासी हमारे जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, चाहे गैर आदिवासी हो चाहे आदिवासी हो, हमने ठान लिया है कि इस बार का जो अडानी को हम बिल्कुल इस पहाड़ को खोदने भी नहीं देंगे। चाहे सरकार की कितनी भी बातें हो, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की हो, हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हम अपनी जान भी कुर्बानी देना चाहें। मैडम, इसके पहले भी तो ये यहाँ खुदाई चालू हुई थी और किसी और लोगों को ये खदान दिया गया था, तब आप लोग का क्या विरोध ऐसा ही किए थे या उस टाइम आप लोगों का विरोध सक्सेस नहीं हुआ था, ऐसा भी कुछ हमने सुना है? नहीं, पहले हमने तो उस समय चलिए देखिए, हमने ये आश्वासन दिया गया था कि तुमको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज तक का एनएमडीसी खुल के कितने साल हो गए, 60-70 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमको यहाँ के लोगों को ही रोजगार नहीं मिला। उससे लोगों को जागरूकता आई कि ये तो सिर्फ आश्वासन देना ही जानता है। जो जितने भी दूषित हवा है, प्रदूषण, जितना लाल पानी है, जो भी यहाँ का नुकसान जो है ना, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। इससे लोग जाग गए हैं, चेत गए हैं कि हमको बिल्कुल भी पहाड़ को देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चले भूखे रह जाए, चाहे बेरोजगार रह जाए, लेकिन देना नहीं है। मगर एनएमडीसी तो कहती है कि हम लोकल लोगों को रोजगार देते हैं। वो एनएमडीसी का झूठा आश्वासन है, आश्वासन के चलते लोग यहाँ राशन पानी लेकर आए हैं। अगर एनएमडीसी उनको रोजगार देती तो ये 30-40 किलोमीटर पैदल चलकर राशन पानी लेकर क्यों आते, आप बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ। अगर वो आते, अगर एनएमडीसी उनको आश्वासन नहीं दिया होता, अगर रोजगार देती तो इनका कभी भी उनके विरोध में बातें नहीं करते। हम जनप्रतिनिधि यहाँ रातों रात पैदल लाके भूखे प्यासे इतर समय तक का बैठते नहीं, हम बल्कि उनको समर्थन देते कि हमारे लोगों को समर्थन दो और रोजगार दो, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है।